पूरी दुनिया है हैरान इसकी कीमत से। दुनिया में पेंटिंग के दीवानों की कमी नहीं है। लोग अपनी पसंदीदा पेंटिंग को खरीदने के लिए करोड़ों लाखों रुपए लुटा देते हैं। जो लोग पेंटिंग में दिलचस्पी नहीं रखते उनके लिए पेंटिंग खरीदने के लिए पैसे खर्च करना फजूल है, लेकिन जो पेंटिंग समझते हैं और पसंद करते हैं वो पेंटिंग की कदर करना जानते हैं और उसे खरीदने के लिए सबसे महंगी बोली लगाते हैं। आइए आपको बताती हूँ एक ऐसी ही पेंटिंग के बारे में जो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग में से है, जिसे इतनी महंगी बोली लगाकर खरीदा गया जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। स्पेन के महान चित्रकार पाब्लो पिकासो की यह पेंटिंग की बोली लगाई गई है और उसे 10.6 करोड़ डॉलर यानी लगभग 684 करोड़ भारतीय रुपयों में खरीदा गया है। इसी वजह से यह किसी भी कलाकार के लिए सबसे महंगी पेंटिंग है। न्यूड ग्रीन लीव्स और बर्ड्स नाम की यह पेंटिंग 1932 में बनाई गई थी। इसे मशहूर नीलामी घर क्रिस्टीन वैल्यू में नीलाम किया गया। ये पेंटिंग 1950 के दशक से लेस लैंसिंग के टांस और सिडनी बैडी के पास थी। करीब 684 करोड़ रुपए की नीलामी जीतने वाली बोली को एक शख्स ने टेलीफोन के जरिए लगाया था, जिसका नाम आज भी गुप्त रखा गया है। इस बड़ी बोली ने इस साल फरवरी में जायको मैटिंग पेंटिंग बीकिंग मैन का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस पेंटिंग को लगभग 10.4 करोड़ डॉलर में नीलाम किया गया था और इससे पहले भी 2004 में भी पिकासो की ही पेंटिंग ने सबसे महंगी पेंटिंग होने का रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन मौजूद पेंटिंग ने पिछले सारे रिकॉर्डों को पीछे छोड़ दिया है। नीलामी से पहले न्यूड ग्रीन लिप्स एंड बर्ड 7 से 9 करोड़ डॉलर में बिकने की उम्मीद थी। ये थी एसएम न्यूज रिपोर्ट।